हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे अनार का जूस निकालने का एक बहुत ही आसान सा मेथड शेयर करने जा रही हूँ, जिससे जूस है वो बहुत ही आसानी से भी निकल जाता है और उसके जो बीज हैं वो भी साबुत रह जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि जो अनार दाना होता है उसके जो बीज होते हैं वो बहुत ही सेहतमंद होते हैं और काफ़ी रेसिपीज और दवाइयों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये प्लास्टिक का जिप्लॉक बैग लिया है, तो ये मीडियम साइज़ का बैग है, आप चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं, नॉर्मली ये हर जगह अवेलेबल रहता है। तो अब इसके अंदर हम अनार के दाने डाल देंगे। तो ये मैं फ़िलहाल इसके अंदर 1 से 1.5 अनार के दाने डाल रही हूँ। तो ये अनार के दाने हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब इसे हम पैक कर देंगे। पैक करते समय आपको ध्यान रखना है कि इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। यदि पैक करते समय थोड़ी हवा चली गई है तो थोड़ा सा जिप है वो साइड में से खोल के हवा निकाल दें इसकी और अच्छे से इसे पैक कर दें। अब इन अनार दानों को हम एक जगह थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। अब हम एक बेलन लेंगे और बेलन को इस तरह चलाएंगे इन अनार दानों के ऊपर, तो बेलन की वजह से बहुत ही आसानी से अनार दानों का जूस निकल के आ जाता है और जो जूस बनता है वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि जब हम मिक्सर ग्राइंडर में यदि जूस बनाते हैं तो बीज हैं वो सारे के सारे टूट जाते हैं उसके अंदर और जूस गाढ़ा हो जाता है, लेकिन इस तरह से जूस निकालने पर ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है और साथ ही जिनके पास जूसर नहीं हो वो भी इस जूस को बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि बेलन तो हर घर में अवेलेबल रहता ही है। तो इस तरह दानों को हमने फोड़ लिया है बेलन से और क्योंकि जिप्लॉक बैग हमने लिया था तो सारा जूस है वो इस बैग के अंदर ही रह गया है। और साथ ही जो आप देख सकते हैं अनार दाने हैं उसके बीज हैं वो साबुत ही रह गए हैं और ये जो बीज हैं उनको सुखाकर आप इस्तेमाल करें, बहुत सारी रेसिपीज़ और दवाइयों के रूप में ये काम आता है। तो अब इसे हम एक स्ट्रेनर में छान लेंगे। तो एक बाउल पर मैंने स्ट्रेनर लगा दिया है और इसे ऐसे छान लेते हैं। अब मैं आपको एक स्पून से इसे प्रेस करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल भी अब इनमें से जूस नहीं निकल रहा है, सारा जूस है वो इन अनार दानों में से निकल चुका है और जो इनके बीज हैं वो भी साबुत ही रह गए हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा जूस बनकर तैयार हुआ है और एक अनार से ये देखिए कितना सारा जूस निकल गया है। अनार के इन बीजों को हमें फेंकना नहीं है, हम इन्हें स्टोर करके रखेंगे। तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सेम इसी तरह से हम एक अनार का जूस और निकाल लेते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह एक मैशर से भी इसे मैश करके जूस निकाल सकते हैं, लेकिन जो बेलन वाली ट्रिक है वो इस मैशर से निकालने के बजाय थोड़ी सी इजी है, क्योंकि बेलन है वो बहुत ही आसानी से रोल हो जाता है। तो आप चाहें तो अनार के दानों को डायरेक्ट स्ट्रेनर में रखकर फिर इसे मैशर से मैश करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो ट्रिक है वो थोड़ी सी हार्ड पड़ती है बजाय इसके। दोनों मेथड में से जो मेथड आपको ज़्यादा इजी लगे आप वो अपना सकते हैं। इस तरह मैशर से भी निकाल सकते हैं और बेलन से भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से बहुत ही अच्छी तरह से जूस निकल भी आता है। तो इस जूस को भी हम निकाल लेते हैं, स्ट्रेनर में छान लेते हैं। तो ये जो पहले के अनारदाने हैं वो अभी मैंने स्ट्रेनर में ही रखे हैं, साथ में ही निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। तो इसे भी हम छान लेते हैं। तो इसे भी मैं ऐसे प्रेस करके दिखाती हूँ, यदि थोड़ा सा जूस रह भी गया हो तो ये देखिए जो बेलन से हमने जूस निकाला था उसमें बिल्कुल भी जूस नहीं निकला था, लेकिन मैशर से जो हमने जूस निकाला था उसमें थोड़ा सा जूस रह गया है। तो बचा खुचा जूस हम ऐसे मैशर से मैश करके निकाल लेंगे। तो ये खूब सारा जूस बनकर तैयार हो चुका है। अब इन बीजों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे बीजों को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इन अनार के बीजों को हम धूप के अंदर अच्छे से सुखा लेंगे और जब ये सूख जाएं तो आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दें। ये काफ़ी लंबे समय तक स्टोर किए जा सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया काफ़ी सारी रेसिपीज़ और दवाइयों के ये काम आते हैं। और मार्केट से यदि आप ये बीज लाएँ तो ये बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो इन्हें हम सुखा लेते हैं। जूस को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने ये इतने अनार के दाने लिए थे, इतने अनार के दानों में हमने ये इतना जूस बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हुई है और जो जूस आपको दिखाई दे रहा है वो कितना अच्छा लग रहा है देखने में और ये रियली पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये मेथड अपना कर अनार का जूस घर पर ज़रूर बनाएँ और कैसा लगा आपको ये मेथड मुझे ज़रूर बताएँ। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें।
आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।